नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हेल्प में। किसान दोस्तों, आप अपनी फसल की अच्छी पैदावार के लिए PGR टॉनिक का प्रयोग करते ही होंगे। इसके अलावा जब आपकी फसल में कोई स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम आती है तो आप एंटी स्ट्रेस का प्रयोग करते हैं। उसी के साथ में यदि आपकी फसल में कोई खरपतवार नाशी या फिर हर्बिसाइड की मात्रा अधिक हो जाती है या फिर डोज कम ज़्यादा हो जाता है, उससे अगर आपकी फसल में कोई इफेक्ट आता है तो उसको दूर करने के लिए या फिर अपनी फसल को बचाने के लिए आप किसी न किसी प्रोडक्ट या फिर किसी न किसी दवा का प्रयोग करते ही होंगे। तो आप इन तीनों कामों के लिए अलग अलग दवाइयों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज किस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हम बताने वाले हैं जिसमें ये तीनों गुण एक ही में विद्यमान होते हैं। आपको अलग अलग दवाइयों को लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी और वो भी बहुत ही कम पैसों में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा और इसके रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो जिस कंपनी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं या फिर जिस प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उसका नाम है रैपिग्रो, जो कि ईसा एग्रो कंपनी का आता है। बात करेंगे इसकी मात्रा, डोज, प्राइस के बारे में, यह काम कैसे करता है, यह हमारी फसलों में किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही खेती संबंधित जानकारी आपको यूट्यूब पर सबसे पहले मिलती रहे। तो किसान दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईसा एग्रो कंपनी का जो रैपिग्रो आता है इसमें कंटेंट कौन सा है, यानी कि इसमें कौन सा टेक्निकल पाया जाता है। तो इसमें आपको हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन मिल जाएगा जो कि पौधों के लिए काफ़ी अच्छा है, उसकी बढ़वार और उसके जो है वृद्धि के लिए, और उसी में आपको अमीनो एसिड मिल जाएगा। प्लांट माइक्रो एलिमेंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए जानते हैं कि रैपिग्रो काम कैसे करता है हमारी फसलों पे। तो इसके लिए आपको मोनोक्रॉप एक्शन देखना होगा कि ये काम कैसे करते हैं, इनमें जो टेक्निकल पाया जाता है। तो हम बात करें अगर हम सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन की, तो प्रोटीन ये क्या होता है, तो जो हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन होते हैं यह नाइट्रिक एसिड के संश्लेषण से बनाई जाती है। यह हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन जल में घुलनशील प्रोटीन है। यह प्रोटीन पौधे की सबसे बड़ी ताकत होती है, इसलिए इसकी जो है बहुत ही आवश्यकता होती है हमारी फसलों में, और यह पौधे की उपापचय क्रिया से लेकर विकास वृद्धि करने में भी बहुत ही सहायता करती है। इसके अलावा बात करें अगर हम अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि यह हमारे पौधे के लिए काफ़ी बेहतर होता है, फ्लावरिंग के लिए, या फिर बात कहें अगर हम पौधे की शारीरिक विकास के लिए या फिर जो है प्लांट ग्रोथ के लिए, तो ये सभी में अमीनो एसिड का बहुत ही महत्व होता है। उसी के साथ में जो माइक्रो एलिमेंट दिए होते हैं ये आपकी फसल में, इनका भी काफ़ी महत्व होता है। ये पौधे की बढ़वार या फिर उसका हरापन या क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। बात करें अगर हम फायदे के बारे में कि यह हम अगर हम इसका प्रयोग करते हैं रैपिग्रो का, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा या फिर हमारी फसलों को क्या फ़ायदा होगा, तो यह जो है एंटी स्ट्रेस का काम करता है। जैसे आपका टी स्टेंस कंपनी का ग्रीन मिराकल काम करता है, सेम उसी प्रकार से यह काम करता है। कोई भी तनाव हो, वाटर स्ट्रेस हो, केमिकल स्ट्रेस हो, सब में यह अच्छे से काम करता है। इसके अलावा यह जो बाई स्टूमुलेंट की तरह भी काम करता है। बाई स्टूमुलेंट के बारे में आप जानते ही होंगे कि बाई स्टूमुलेंट में जो है कि पौधे को तंदुरुस्त रखता है। इसके अलावा यह कम समय में पौधों की अच्छी ग्रोथ कर देता है। सबसे बड़ा तो इसका काम यह है कि यदि आपकी फसल में कोई भी आप हर्बिसाइड डालते हैं जिसका आपको दुष्परिणाम मिलता है, यानी कि यदि आपका हर्बिसाइड का डोज कम ज़्यादा हो जाता है, तो इससे आपकी फसल में जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप इसका प्रयोग करते हैं, उसमें ये काफ़ी भूमिका निभाता है। यानी कि यदि आपकी फसल जा रही हो तो इसको यह रोकने में काफ़ी मदद करता है। यदि आपकी फसल मान लीजिए कि जल गई है तो यार नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मरी हुई फसल को तो कोई भी जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन यदि कोई फसल मर रही है तो उसको यह बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक कर सकता है। इसके अलावा बात करें अगर हम क्रॉप स्प्रे की, कि यानी कि इसे किस किस फसलों पे हम यूज कर सकते हैं, तो आप इसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, आलू, कद्दू, खीरा, अंगूर, अनानास, सोयाबीन, उड़द, चना आदि जैसी सभी फसलों पे आप इसे यूज कर सकते हैं। और ईसा एग्रो का जो रैपिग्रो आता है उसे आप किसी भी कम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हैं। आप किसी भी फंगिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड, आप किसी भी टॉनिक के साथ भी यूज कर सकते हैं। वैसे भी ये अपने आप में एक टॉनिक है, लेकिन फिर भी यदि आप किसी टॉनिक के साथ मिलाना चाहते हैं तो आप उसमें भी इसको मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। बात करें अगर हम स्टेज की, आप किसी किन स्टेजों पर इसका रैपिग्रो का आप यूज कर सकते हैं, तो आप किसी भी स्टेज पर आप इसका यूज कर सकते हैं। वो चाहे आपकी पौधे की जो है फ्लावरिंग स्टेज हो या फिर फूल की स्टेज हो या फिर जब आपका पौधा बढ़ रहा हो तब भी आप इसकी स्प्रे ले सकते हैं। यदि आप इसका यूज करना चाहते हैं आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, तो काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा बात करें अगर हम
डोज की, तो आप 400 ml 200 लीटर पानी के साथ में यूज कर सकते हैं, 40 ml 20 लीटर पानी के साथ में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 30 ml आप 15 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। बात करें अगर हम प्रति एकड़ की दर से आपको कितनी मात्रा इसकी लेनी है, तो आप 500 ml रेपिग्रो को प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसके प्राइस की, तो आपको 1 लीटर का प्राइस लगभग 600 रुपये के आसपास मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि ये तो एक टॉनिक की तरह काम करता, तो फिर यह जो है हमारी फसलों में जो भी हर्बिसाइड से नुकसान होता उसको कैसे, ये क्षतिग्रस्त को कैसे बचा सकता है, कैसे भी हमारी फसल की रिकवरी कर सकता है। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि इसके लिए यदि आप पहले आप समझ लीजिए कि हर्बिसाइड किस प्रकार से काम करते हैं। तो जब आप अपनी फसलों में किसी भी हर्बिसाइड को आप प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फसल हो या फिर आपके खरपतवार हो, तो सबसे पहले क्या करता है हर्बिसाइड, आपकी फसल या फिर खरपतवारों में जो प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है उसको यह रोक देता है, जिससे पौधा जो है अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है और उसको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण पौधे की जो है मृत्यु हो जाती है। तो इसी को रोकने के लिए यह क्या करता है कि जब आप रेपिग्रो का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपको प्रोटीन की मात्रा काफ़ी मात्रा में मिल जाती है, और जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो पौधों को प्रोटीन मिलने के कारण पौधा जो है अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देता है, और पौधा जो है अगर मरने की कगार पे होता तब भी रिकवर होके सही हो जाता है। हाँ, वो बात अलग की है, यदि आपका पौधा ज़्यादा डैमेज हो गया तब तो सही नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ मात्रा में डैमेज हो गया है तब आसानी से इसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों यही सब था रेपिग्रो के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने किसान मित्रों में शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।